इस बार फायर सीजन में मौसम मेहरबान बना रहा, जिसकी वजह से वनों को नुकसान कम हुआ है, या यूं कहें कि नुकसान ना के बराबर है। लॉकडाउन भी इसका एक कारण है, जिसकी वजह से वन संपदा नष्ट होने से बची है। यही नहीं, पर्यटकों की आमद कम होने से भी वनों में आग की घटनाओं में कमी आई है। धर्मशाला वन मंडल की बात करें तो फायर सीजन के दौरान अब तक कुल 10 घटनाएं सामने आई है, जो की ग्राउंड फायर थी, जिसके चलते वनों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और रोपित किए गए पौधों को भी नुकसान कम ही रहा है। गौरतलब है कि फायर सीजन 15 अप्रैल से 15 जून तक फायर सीजन होता है, लेकिन इस बार आए दिन बारिश होने से वन विभाग को वनों में आगजनी की घटनाओं से राहत मिली है और नुकसान भी कम ही हुआ है। डीएफओ धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि इस बार मौसम अच्छा रहने से वनों में आगजनी की घटनाएं कम हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों की आमद कम रही, ये भी एक कारण है आगजनी की घटनाएं कम होने का। धर्मशाला वन मंडल में 10 के लगभग घटनाएं हुई है, जो की ग्राउंड फायर थी, जिसकी वजह से नुकसान ना के बराबर है और रोपित किए गए पौधों को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। सीजन में वनों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, वो काफी कम हुई हैं। इसकी वजह तो यही है कि मौसम इस बार काफी अच्छा रहा, समय समय पर बारिश होती रही, जिसकी वजह से जो वातावरण का तापमान था उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई तथा आग लगने की घटनाओं में कमी आई है। लॉकडाउन भी एक फैक्टर है, क्योंकि जो टूरिस्ट है इस बार टूरिस्ट इनफ्लो बहुत कम रहा, तो धर्मशाला शहर के आसपास के जितने भी वन क्षेत्र हैं उनमें न के बराबर आग की घटनाएं हुई। जैसे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर टूरिस्ट कम आए और कम आग की घटनाएं हुई तो डेफिनेटली एक कोरिलेशन तो इनके बीच में बनता ही है। देखिए, अभी तक जितने भी घटनाएं हमारे वन मंडल में सामने आई हैं, लगभग 10 घटनाएं आग वनों में आग लगने की हुई, जिसमें सारा ग्राउंड फायर रही और कोई भी क्राउन फायर नहीं हुई, ना ही हमारी कोई मेजर प्लांटेशन का कोई लॉस हुआ, ना ही अदर असेट्स का इसमें लॉस हुआ। तो इस बार लॉस भी ना